सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल वेस्टर्न बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो वेस्टर्न बॉय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप लोग यार? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का यार दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया यार। फाइनली हम लोगों ने 2 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिया यार। थैंक यू सो मच आप सबका। एंड गाइस, बात कर लेता हूँ इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप क्रिमिनल बंडल निकालने वाले हैं। तो यार, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं इस वीडियो के अंदर आपका सारा पुराना यादा ताजा करने वाला हूं। तो यार, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। एंड गाइस, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके एक बार इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस, बात कर लेता हूं, ये सारे पुराने वीडियो मैंने आपको बस अभी आपका जो फीलिंग है, जो आपका मतलब पुराने यादें ताजा होने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने टॉप क्रिमिनल बंडल कैसे निकाला था और कितना डायमंड मैंने खर्चा किया था यार। तो आपको वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला जो अभी बंडल निकालने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डायमंड मेरा खर्चा हो गया। ऑलमोस्ट 2000 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3000 डायमंड मेरा खर्चा हुआ है। तो दिखा देता हूँ मैंने इसको कैसे निकाला एंड कैसे मैंने टॉप क्रिमिनल बंडल निकाला है। ठीक है, तो पहले चलते हैं, मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ मेरे पास जितना भी डायमंड है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक ब्लू प्रिंट और एक एविलिसिस्टन पहले से ही है। ठीक है, 2 एविलिसिस्टन और 1 ब्लू प्रिंट है पहले से। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो एविलिसिस्टन है बहुत रेयर है, नहीं मिलता है। तो पहले स्पिन करते हैं, होपफुली मिल जाए। तो फर्स्ट स्पिन खुल जाना प्लीज़। एविलिसिस्टन चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग को ब्लू प्रिंट तो लेगा ही मिलेगा, हमको पता है। प्लीज़ यार, ये एक्सपी कार्ड नहीं चाहिए, ब्लू प्रिंट मिल गया, बहुत हार्ड। और बैकपैक बहुत हार्ड बैकपैक, और एक ब्लू प्रिंट नहीं चाहिए भाई। ब्लू प्रिंट 1 मिल गया, बहुत हार्ड, बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज़ यार, ब्लू प्रिंट नहीं चाहिए मेरे को, बस मेरे को ये डायमंड स्टोन दे दो। डायमंड स्टोन बोल रहा हूँ, एविलिसिस्टन दे दो प्लीज़। खुल जा एविलिसिस्टन, खुल जा प्लीज़। फिर से, अरे यार, फिर से एविलिसिस्टन चाहिए था यार मेरे को। इतना सारा डायमंड खर्चा करने के बाद अगर एविलिसिस्टन नहीं मिला तो कैसा लगा यार? बेकार, एकदम बेकार। सब टट्टी चीज़ निकल गया क्या यार? गरीना, व्हाट इज दिस? प्लीज़ यार, प्लीज़ एविलिसिस्टन प्लीज़। फिर से एविलिसिस्टन, रुक जा। अरे यार, फिर से बाउचर, फिर से ये बेचिस, फिर से बाउचर। अरे यार, ये सब नहीं चाहिए ना, मेरे पास है ऑलरेडी यार। इतना सारा डायमंड खर्चा कर दिया, मेरे पास 670 है और डायमंड। तो फिर से और एक स्पिन, चल जा यार प्लीज़, खुल जाना यार, मेरा इज्जत रख ले यार फ्री फायर प्लीज़। जय फ्री फायर, खुल जा एविलिसिस्टन, खुल जा यार। ब्लू प्रिंट में मत रुकना यार। चलो फिर से यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बाउंड्री टूकन, सॉरी ये रिसप्लाई, और फिर से रिसप्लाई, फिर ये भाई स्केटबोर्ड रिसप्लाई, सब चीज़ में मतलब मार ही दो, फ्री फायर मार दो, खून कर दो भाई, मार दो। यहाँ पे देख लेते हैं खुल के कि इसके अंदर क्या क्या है एंड मेरे को क्या चाहिए मैं जो लेने वाला हूँ। तो टॉप क्रिमिनल बंडल यहाँ पे आता है 5 स्टोन एंड 2 ब्लूप्रिंट। एंड यहाँ पे हमारा जो बाकी सब मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को येलो वाला एंड रेड वाला बहुत ही मस्त लगा, बाकी मेरे को एकदम बेकार लग रहा है। क्योंकि इसमें मतलब कैसा शक्ल देखो ना, एकदम कैसा है। और डायनो का भी है, तो डायनो नहीं निकाल पाऊंगा मेरे को पता है, क्योंकि डायनो के लिए बहुत ही मेरे पास वो ये ब्लू प्रिंट भी नहीं है, और इतना सारा निकालूंगा एक्सचेंज करूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना डायमंड नहीं है। 500 डायमंड बचा हुआ है, तो देखते हैं कि ये 500 डायमंड में मेरा नसीब चमकता है या नहीं। एंड गाइस, वीडियो को मेरे अंत तक देखना, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है, मैंने बहुत सारा डायमंड खर्चा किया है। एंड रिमेंबर गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो एक बार जाकर इंस्टाग्राम में जरूर चेक करना, ठीक है। तो दूसरा स्पिन यहाँ पे चलते हैं। तो दूसरा स्पिन मेरे हिसाब से इस बार अगर नहीं निकला ना, तो कसम से मैं करूंगा ही नहीं स्पिन, क्योंकि भाई तंग आ चुका हूँ इतना डायमंड। आप लोग बताओ यार, इतना डायमंड खर्चा करना क्या सही है क्या? गरीना, ये सही नहीं कर रहा यार। अच्छा, इस बार मैं ना क्या बोल के स्पिन करूँ? जय फ्री फायर, ठीक है, जय फ्री फायर। चलो खुल जा जय फ्री फायर यार। ओ ब्लू प्रिंट और 1 बहुत हार्ड ब्लू प्रिंट। अच्छा, ब्लू प्रिंट मेरे को जैसे चाहिए नहीं, ठीक है, ब्लू प्रिंट बहुत हो गया। फिर से 1 ब्लू प्रिंट, बहुत हार्ड। तो अभी मेरे को चाहिए और 3 ये एविलिसिस्टन चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ एविलिसिस्टन पे रुकना। अरे बाउचर, जब देखो बाउचर में रुकेगा, ये सारा कचरा में ही रुकेगा। गाइस, व्हाट इज दिस? गाइस, ये क्या हो रहा है फ्री फायर में? मतलब इतना क्यों यार, इतना डायमंड खर्चा करने के बाद फिर इतना सारा क्यों हो रहा है ये सब यार? खुल जाना प्लीज़ यार, इस बार तो रुक जा, एविलिसिस्टन में रुक। अरे ब्लू प्रिंट और स्केटबोर्ड और ये सब बाकी सारा सामान खुलेगा, लेकिन एविलिसिस्टन नहीं खुलेगा। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एविलिसिस्टन है वो 1 है और ब्लू प्रिंट 3 है, मतलब एकदम पत्ता फुसका। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये? प्लीज रुक जा। फिर से ब्लू प्रिंट, मतलब ब्लू प्रिंट ही ब्लू प्रिंट यार। फिर से और 30 स्पिन, मेरे पास डायमंड भी खत्म होने वाला है, और 1 स्पिन होगा शायद। चलो प्लीज खुल जाना, प्लीज खुल जा यार, ब्लू प्रिंट में रुक जा, ब्लू प्रिंट में रुक जा, आज पार्टी दूंगा ब्लू प्रिंट में रुक। अरे हो भाई, एबिलिसिस्टन भी नहीं, ब्लू प्रिंट भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। चलो और 1 स्पिन,
प्लीज इस बार डायमंड, ये क्या कहते हैं, एवली सिस्टन पे रुकना, ठीक है? प्लीज एवली सिस्टन, प्लीज एवली सिस्टन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, अरे यहाँ टट्टी है, टट्टी। तो फिर से मैंने यहाँ पे टॉपअप कर लिया, तो इस बार मैंने 1000 फिर से टॉपअप किया। तो चलो फिर से स्पिन मिलना चाहिए, मैं लेके रहूंगा भाई, भाई साहब लेके रहूंगा, सारा डायमंड खर्चा हो जाए। प्लीज एवली सिस्टन, एवली सिस्टन पे रुक, अरे यार प्लीज एवली सिस्टन पे रुक जा प्लीज, अरे रुक जा भाई, ओ भाई मारो मुझे, मारो, ये क्या हो रहा है यार, मारो मुझे यार। फिर से 135 स्पिन, 135 डायमंड का स्पिन होता है भाई, 135 का एक स्पिन होता है, समझ रहे हो? बहुत हार्ड। यहाँ पे बैकपैक आ गया, गोल्ड आ गया, फिर और गोल्ड आ गया, फिर गोल्ड, मतलब गोल्ड ही गोल्ड, 3 बार 800 गोल्ड, मतलब मार दो, फाड़ दो पूरा, प्लीज खुल जाए यार, प्लीज एवली सिस्टन और दो दे दो ना, दे दो यार। फिर से बॉनफायर, फिर से बेचेस, फिर से बाउंटी, सॉरी रिसप्लाई, फिर से बेचेस, फिर से गोल्ड, मतलब कुछ भी, हद पार हो गया। तो मुझे लगता है मेरे को येलो वाला ही लेना पड़ेगा, और कोई चांसेस नहीं है। तो देखते हैं, इस बार मेरे पास और 660 डायमंड है गाइस, 660 डायमंड से अगर मिलता भी नहीं है, क्योंकि मैंने स्पिन करके इतना सारा मैं ये खर्चा नहीं करूँगा, ठीक है? ये सारा डायमंड मेरे को लगता नहीं मिलेगा बोल के, भाई साहब क्या करूँ बताओ। और यहाँ पे मेरे को चाहिए और तीन स्टोन चाहिए, ठीक है? और ब्लूप्रिंट तो बहुत हो गया, ब्लूप्रिंट 4 हो गया, तो ब्लूप्रिंट का टेंशन नहीं है मेरे को। टॉप वाला ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, रेड कलर वाला और येलो वाला, क्योंकि दोनों का स्माइली फेस है, एंड बाकी दोनों अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो क्या कहते हैं, एक ब्लू एंड जो ये है, तो ये दोनों का कलर मेरे को सही नहीं लगा, एंड मेरे को येलो एंड रेड मेरे को बहुत ही मस्त लगा, क्योंकि ये दोनों का कलर भी सेम है, कलर भी सही है, येलो एंड रेड बहुत लोग ज़्यादा मतलब उनको अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है? मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है, सॉरी, माइंड मत करना। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा रेड कलर का ड्रेस है वो बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस, अगर ये ड्रेस लगा के अगर लॉबी में जाओगे ना, कसम से ढूंढ के कुत्ते की तरह मारेंगे। चलो फिर से स्पिन करते हैं इस बार, प्लीज एवली सिस्टन, प्लीज इज्जत रख ले, फ्री फायर बंदों के सामने इज्जत रख ले, माँ कसम यार। फिर से ये सब टट्टी, फिर टट्टी, प्लीज खुल जाए यार, प्लीज मारो मुझे, मारो। तो गाइस मुझे लगता है ना, मुझे को येलो वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और चांस नहीं है, ठीक है? तो चलो येलो वाला ही निकाल लेते हैं, मेरे पास और कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैंने येलो वाला निकाल लिया, एंड ये रहा वो ड्रेस, तो भाई बहुत ही ओपी है। एंड गाइस ये वाला ड्रेस लगा के अगर आप जाओगे ना, तो यार कसम से आपको ढूंढ के मारेंगे, एंड इसमें ज़्यादा फायदा है, आपको लाइक भी मिलता है, एंड इसका अभी रियर है, आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा रियर है। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया यार, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है, एंड बहुत ही कम समय में आप लोगों ने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया, और होपफुली आप लोग ऐसे सपोर्ट करते जाओगे आगे। एंड ये वीडियो जो बनाया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पुराने यादें है वो ताज़ा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, एंड मुझे ये क्रिमिनल बंडल कैसे मिला था मैंने बस ये दिखाने के लिए बनाया था। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, एंड रिमेंबर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड मिलते हैं अगले एक वीडियो में, अल सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय।